भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम जोरों पर है और लोग भी दिल खोलकर राम मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का चंदा दान किया है और अपने परिवार के लिए भी बड़ा बयान जारी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर कुछ विपक्षी दल लगातार राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन अब उन्हें करारा जवाब मिला है। राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट लोगों से चंदा जुटा रहा है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया है। इस दौरान उन्होंने मुलायम परिवार को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल और कार्यवाह प्रशांत भाटिया अपर्णा यादव के आवास पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए समर्पित किए। इस दौरान उनके समर्थकों ने भी राम मंदिर निर्माण के लिए स्वेच्छा से दान किया। अपर्णा यादव ने ट्वीट किया, प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत कौशल जी की उपस्थिति में मैंने अपने और अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु समर्पण निधि अभियान में 11,11,000 धनराशि का योगदान किया। इस दौरान अपर्णा यादव ने अपने परिवार पर निशाना साधते हुए कहा, ये दान मैंने स्वेच्छा से किया, इसमें मैं अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी नहीं निभा सकती। अतीत कभी भी भविष्य के बराबर नहीं होता है। राम भारत के चरित्र, संस्कार और सभी की आस्था के केंद्र हैं। ये राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। हमें लगता है कि हम भारतीयों को इस मंदिर के लिए दान देना चाहिए, इसीलिए मैंने भी दान दिया है। अपर्णा ने मुलायम सिंह यादव द्वारा अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा है कि उन्होंने पहले जो किया और जिन परिस्थितियों में जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। जो बीत गया वो आज में बदल नहीं सकता है। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र से 2017 में चुनाव लड़ चुकी हैं। इसके साथ ही अपर्णा यादव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की बड़ी प्रशंसक है। वे कई बार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ भी टिप्पणी कर चुकी हैं। ऐसे में अब उनके इस कदम के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। अपर्णा यादव सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। वे कई बार उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव के लिए भी बयानबाजी कर चुकी हैं और पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की प्रशंसक भी हैं। ऐसे में उनके इस कदम के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तो तेज हुई ही हैं। साथ ही उनके अपने परिवार के लिए जारी बयान ने भी इस बात का प्रमाण दिया है कि उनके परिवार में भी हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी और हाँ, हमारे ऐप कैपिटल टीवी को डाउनलोड करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।